अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आपदामोपहर्तारं दातारामं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। देवकी वसुदेव सुतं देवं कंसचाड़ूर्मर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं वंदे कृष्णं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां सदानदे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा
वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म मनसतो पादयोर्नः नित्यां शिरसितां निवास जगत् प्रणामे दृष्टिशतां दर्शन हेतु वागर्था विषम प्रिक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णवे नमः त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा में मैंने बताया था कि अश्वत्थामा ने कैसे पांडवों को मारने के लिए गलती से द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण की समुपस्थिति में किस तरह से उसका मान मर्दन किया गया। ब्राह्मण जान करके उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया लेकिन ब्राह्मण को सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय है और उस सम्मान का मान मर्दन अर्जुन ने किस तरह से भगवान के आदेश पर और उनकी समुपस्थिति में किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने प्रण किया कि उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ पल रहा है मैं उसको ब्रह्मास्त्र से समाप्त कर दूंगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी का राजपाट पांडवों को देकर और द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे तभी उत्तरा के गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से व्याकुल होकर उत्तरा भगवान कृष्ण की तरफ आर्तस्वर में बहुत करुण भाव से पुकारती हुई कृष्ण की तरफ दौड़ी। हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। नारायण आत्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, सब कुछ समझते हैं। उनको समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश पा लिया और उस गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित ने जब देखा कि अंगुल भर का कोई ऐसी कृपा मूर्ति जो हर तरह से दैदीप्यमान है और उसके हाथ में एक गदा है उसको लेकर के किस तरह से वो गदा चला रहा है और हमें उसका एक कवच धारण करा करके हमें ब्रह्मास्त्र से बचा रहा है। भगवान के दर्शन पाकर गर्भ में ही परीक्षित धन्य हो गए और बहुत देर तक यह सोचते रहे कि आखिर यह है कौन।
भगवान ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा करके पुनः आए और आप सब लोगों को कथा पता है, कल मैंने बताया कि कुंती से, अर्जुन से, युधिष्ठिर से और पांडव पक्ष के जो लोग भी बचे थे सबसे विदा लेकर के भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी को चले गए। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ और क्योंकि पांडु पौत्र थे, पांडु के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ था और गर्भ में ही नारायण का दर्शन हो गया था। युधिष्ठिर जैसे धर्म के प्रतिपालक, धर्म के वेत्ता के घर में परीक्षित ने जन्म लिया था, इसलिए धर्म का पर्याप्त जो स्वरूप होता है वो उनके अंदर था। धर्म के अनुसार जैसे जैसे राजा परीक्षित बड़े हो रहे थे वो धर्म का अनुसरण कर रहे थे और धीरे धीरे समय जब व्यतीत होने लगा और उनको राज सिंहासन मिल गया तो एक दिन उनके मन में शिकार करने का मन आया। देखिए, आप चाहे जितने भी धार्मिक हों, आप चाहे जितने भी पंडित हों, आप चाहे जितने भी पुजारी हों, माहौल का असर बहुत पड़ता है। इसीलिए जिसको आज लोग ढकोसला कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो गृहस्थ जीवन से परे हट करके अपने नियम धर्म को बचाने के लिए वो अपने शरीर को तपाते थे और वो गृहस्थ से बहुत ही कम वास्ता रखते थे और वो बहुत ही चरैवेति के जीवन के सिद्धांत को अपने ऊपर लागू करते थे। किसी के घर आए तो एक गिलास पानी पी लिए और किसी के घर गए तो उसके यहाँ अगर कुछ जो तैयार है उस समय तत्क्षण जो तैयार है उसको ग्रहण किए और आगे बढ़े। किसी से उनका कोई लगाव नहीं होता था, कोई मोह माया उनकी नहीं होती थी। वह सिर्फ इसलिए, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही चंचल हैं और जैसे ही जीव एक दूसरे जीव के संपर्क में जाता है तो गुण दोष का आदान प्रदान हो जाता है। जब भी हम आपका कुछ ग्रहण करते हैं तो अन्न क्योंकि आपके कर्म से पोषित है, आपके विचार से पोषित है, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो वह अपना प्रभाव दिखाता है। सब लोग जानते हैं, विज्ञान से लेकर के पूर्व में भी यह स्थापित हो चुका है कि जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और उसी से जो है विचार बुद्धि मन चित्त सबका निर्माण होता है। राजा परीक्षित के मन में राजपाट पाने के बाद रजोगुण तो आ ही गया था, कुर्सी की महिमा है ना। जब तक कुर्सी से नीचे थे तब तक मंदिर भी बनवाएंगे, तब तक गौ हत्या भी रोकेंगे, तब तक वह सब करेंगे जो सनातन धर्म के अनुकूल है। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है तो कुर्सी की अपनी मजबूरी है, फिर सेकुलरिज्म बताना पड़ता है कि भाई देखिए हम सेकुलर हैं, अगर गौ का कटना रुकवा देंगे तो हमारे सेकुलरिज्म में दिक्कत आ जाएगी और हमें जो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। राजा परीक्षित भी इस दोष से बच नहीं पाए और जब उन्होंने मन बनाया एक दिन शिकार करने के लिए
तो पांडवों ने जितनी भी धन संपत्ति दौलत युद्ध के बाद हासिल किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, युधिष्ठिर ने कही जो भी धन था वो सब परीक्षित का ही था। तो उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया और जरासंध के मुकुट में क्योंकि जरासंध एक राक्षस था और वह उसके ही प्रयास से वह मुकुट था और वो सारी चीजें जिसमें हीरे मोती माणिक्य रत्न जो कुछ भी उसमें लगा था वो सब उसके अपने प्रयास से था, तो उसको लेने भर मात्र से इनकी बुद्धि घूम गई। और नहीं तो अत्यंत नितांत धर्म प्रिय राजा वह किसी भी जीव की हत्या के बारे में सोच नहीं सकता। ऐसा सोच करके राजा निकले और जंगल की तरफ गए, बहुत दूर तक चले गए, शिकार नहीं हो पाया और राजा थक हार गए। अंत में एक ऋषि के आश्रम में प्यास से आकुल होकर के वो वहां पहुंचे। कलिकाल का प्रारंभ हो चुका था, परीक्षित जी जब राजा बने थे, भगवान कृष्ण के जाने के साथ ही साथ पृथ्वी से सत्य धर्म तप का लोप हो चुका था, वो सब उनके साथ चले गए थे और कलिकाल का प्रवेश हो गया था। यद्यपि जब तक परीक्षित जी जरासंध के मुकुट को धारण नहीं किए थे तब तक उनकी बुद्धि ठीक थी और भगवान को विदा करके जब वो लौट रहे थे तो वो देख रहे हैं कि एक सुंदर सा युवक आ रहा है और एक बैल को और एक गौ को, निरपराध बैल और गौ को मार रहा है। जीव की पीड़ा परीक्षित जी जैसे धर्मनिष्ठ राजा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो और इस तरह से इनको क्यों मार रहे हो। तो कलयुग ने बताया कि मैं कलयुग हूं और मेरा यही स्वरूप है और मेरा यही स्वभाव है कि मैं जहां रहता हूं वहां पर धर्म के पालन करने वाले लोगों को, धर्म की प्रतिमूर्तियों को पीड़ित करता हूं, प्रताड़ित करता हूं। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वरूप है, क्योंकि अगर मैं अपने स्वरूप और स्वभाव को नहीं दिखाऊंगा तो लोग धर्म का पालन करेंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे और धर्म का पालन और अनुसरण करेंगे तो हमारे युग का तो कुछ मायने ही नहीं है। राजा परीक्षित से कली से बहुत देर तक संवाद होता रहा। उन्होंने कहा कि देखो कली, तुम हमारा राज्य छोड़ करके चले जाओ और कहीं अन्यत्र जाकर के अपना जो भी तुमको दिखाना हो, अपना प्रभाव वो दिखाओ, यहां नहीं चलेगा। जैसे आप लोग अखबारों में सुनते होंगे कि कभी कभी नए कप्तान जब आते हैं जिलों में तो कहते हैं कि जितने गुंडे हैं वो जिला छोड़ दें, उनको जिला बदर कर दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी नहीं चलेगी, पहले वाले भले जो है वो थोड़े सही सुन रहे होंगे तुम लोगों के प्रति, लेकिन अब हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। राजा परीक्षित से कली से बहुत संवाद हुआ और कली ने कहा कि नहीं महाराज, मैं समय हूं और आप मुझे हटा नहीं सकते, यह मेरा समय है,
और ये नियम है सृष्टि का, ये परमात्मा का नियम है। परीक्षित इतने योगनिष्ठ थे कि उन्होंने कहा कि ये कलयुग तुम हमें अभी जानते नहीं हो, मैं समय को बदल सकता हूँ और मैं पृथ्वी पर तुम्हारा चलने नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं सत्य और सदाचार का ही जीवन और सत्य और सदाचार का ही आचरण करने वाले लोगों को रहने दूंगा। कलयुग को समझ में आ गया था कि परीक्षित से मेरी चलेगी नहीं, अंत में कलयुग सरेंडर कर गया परीक्षित जी के सामने और बोला कि महाराज मुझे कहीं तो जगह दे दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो नारायण की रचना में ही दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए परमात्मा के की जो व्यवस्था है उसको कायम रखने के लिए आपका भी मान रह जाए और मेरा भी मान रह जाए, हमें कुछ तो जगह कहीं कहीं दे दीजिए। राजा परीक्षित को यह बात समझ में आ गई, उन्होंने कलयुग को कुछ कुछ चीजों में कहा कि आप यहाँ यहाँ रहिए, सुवर्ण में, स्त्री में, द्रुत कीड़ा में और एक दो जगह उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं और यहीं आप रहिए। उसने कहा ठीक है। और जब एक बार परीक्षित ने दे दिया इन इन जगहों पर रहने का समय, तो फिर कलयुग ने अपना पांव पसारना चालू कर दिया। और जैसे ही जरासंध का मुकुट पहना परीक्षित ने, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि खराब हो गई और शिकार करने की योजना मन में बनाया उन्होंने। गए जंगल में, बहुत प्यास से आतुर हो गए, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो श्रृंगी ऋषि जो थे वो बहुत ही तपोनिष्ठ थे, पहले के ऋषि मुनि सालों साल बैठे रहते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। वाल्मीकि का नाम आप लोगों ने सुना ही है कि बैठे बैठे दीमकों ने घर बना लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला उनको, तो बहुत अपने ध्यान में लीन थे श्रृंगी ऋषि। और राजा को लगा कि यह कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा महात्मा है, कौन ऐसा ऋषि है जो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। श्रृंगी ऋषि को तो पता ही नहीं चला कि यहां पर कोई आया हुआ है, तो अपनी साधना में व्यस्त थे। और थोड़ी देर तक जब परीक्षित जी ने इंतजार किया और उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और थोड़ी बुद्धि बची रही नहीं तो मार ही डालते वहीं पे। उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक उठाया मृतक सर्प और उसको उठा के उनके गले में पहना दिया। अब वो तो ध्यान मग्न थे, उनको कुछ पता नहीं, शरीर जो बहुत महात्मा लोग हैं, जो बहुत ही इंद्रिय निग्रही लोग हैं, उनको शरीर से बहुत वास्ता नहीं रहता है कि इस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मोटा है कि पतला है, भोजन मिला कि नहीं मिला। वो अपने योग के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से वो परमात्मा में जब लीन होते हैं तो शरीर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनको पता नहीं चला और वो ध्यान में ही थे तब तक उनका लड़का आया और उसने देखा कि अरे मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया है। और एक क्षण का भी बिना विलंब किए हुए उसने श्राप दे दिया परीक्षित को कि जिसने भी ऐसा किया है वह आज से सातवें दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। बाद में जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसको बहुत सहजता से लिया
निकाल के फेंक फाक दिया उसको, और अपने पुत्र से जब श्राप की बात उन्होंने सुनी तो बहुत नाराज हुए बेटे के ऊपर। उन्होंने कहा तुमने इतना बड़ा अनिष्ट कैसे कर दिया, इतना धर्मप्रिय राजा, इतना न्यायप्रिय राजा, और तुमने उसको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, ये तो बड़ा तुमने गलत काम किया। लेकिन ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ श्राप एक बार ब्रह्मास्त्र से तो आपको बचाव हो सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप है, ब्राह्मण किसी तरह से दुखी हो गया है, तो नारायण उसको बचाते नहीं। वो चाहे उनके ही कुल खानदान का क्यों ना हो, नारायण ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण के कोप से नहीं बचाया उन्होंने। ऋषि मुनियों में तरह तरह की चर्चा होने लगी कि भाई गलती तो किया था, लेकिन इतना बड़ा भी अपराध नहीं था, किस राजा को मृत्युदंड दे दिया जाए। ऐसा राजा हम लोग कहां पाएंगे, ऐसा राजा मिलना मुश्किल है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर के कोई कुछ कहे। बिल्ली के गले में कौन घंटी बाजे बांधे, ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। इधर परीक्षित जी को जब पता चल गया कि आज के 7वें दिन यहां से नमस्कार करना है, तो चूंकि वो विद्वान थे ही और उनको समझ में आ गया था कि युग ने अपना प्रभाव दिखा दिया, कलिकाल ने अपना प्रभाव दिखा दिया है और अब मैं फंस चुका हूं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए तो उत्तरा ने नारायण से प्रार्थना किया था, लेकिन परीक्षित ने नारायण से प्रार्थना अपने जीवन के लिए नहीं किया कि परमात्मा अब मुझे बचा लीजिए। उन्होंने क्या प्रार्थना किया, उन्होंने कहा कि भगवान अब आप हमको एक गुरु दे दीजिए, क्योंकि मृत्युलोक है तो मृत्युलोक में आकर के जाना तो है ही, क्या आज क्या कल। तो जब जाना ही है तो इसके रहस्य को थोड़ा समझा जाए, आने जाने के रहस्य को, कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का रहस्य क्या है। तो नारायण के तो रिश्तेदार ही थे परीक्षित, उन्होंने उनकी बात को फिर सुना और सुकद देव जी को गुरु के रूप में भेज दिया। तब सुकद देव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत महापुराण की कथा सप्ताह विधि के द्वारा सुनाया, और जब सुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो देवलोक में हाहाकार मचा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी विधा है। तो इंद्र समेत अग्नि वरुण अन्य जितने देवता थे वो आए वहां पर, जैसे कथा चल रही है यहां। तो अहम छोड़ करके जब आप आएंगे तब तो कथा समझ में आएगा, लेकिन अगर आप मन में किसी भी तरह का अहम अपने अंदर पाल करके आएंगे तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा की पात्रता ही है। शुरू में आप लोगों को पहले दिन हमने बताया था कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान के माध्यम से वैराग्य और भक्ति के माध्यम से ज्ञान, भक्ति के माध्यम से ज्ञान और ज्ञान के बाद वैराग्य जब हृदय में आपके बसता है
तभी आपको कोई भी कथा या कोई भी भगवत स्नेह से जुड़ी हुई कथा आपके समझ में आ पाती है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और उसी समय देवगण पधारे, अमृत का पूरा कलश लिए हुए। बोले भाई हाँ क्या हो रहा है? किसी ने कहा आई एम इंद्र, दूसरे ने कहा आई एम वरुण, तीसरे ने कहा आई एम अग्नि। बोले बहुत बढ़िया बैठिए। बैठ गए। बोले क्या चल रहा है? बोले यही चल रहा है कि अब इनको 7 दिन बाद जाना है, तो जन्म और मृत्यु का क्या राज है, कैसे बार बार जन्म और मृत्यु ना हो, यह इससे जीव जो है वो विलग हो सके, यही भगवान नारायण की कथा सुना रहे हैं। बोले ठीक है। बोले हम लोग एक प्रस्ताव लेके आए हैं। बोले बताइए क्या प्रस्ताव है? बोले प्रस्ताव ये है कि इनको मरने का जो श्राप लगा है उसके लिए ये अमृत है, इनको अमृत दे दीजिए और कथा हमको दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आइए बैठिए। और बहुत ध्यान रख रहे हैं ये लोग, सुमन जी और श्रीवास्तव जी, गर्म पानी कि महाराज जी का गला कहीं बैठ न जाए। भगवान आप लोगों को इस भक्ति और श्रद्धा का फल दें। गोविंद गो। एक मिनट भैया थोड़ा पूरा करने दीजिए, आज बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। कल जो है बाबू जी कह रहे थे कि महाराज जी आज कथा जो है कम हुई है, भजन ज़्यादा हो गया। परसों कह रहे थे भजन बहुत बढ़िया हुआ था। तो हम तो सुना इन्हीं लोगों को रहे हैं ना, अगर इनको आनंद नहीं आया तो हमारे सुनने सुनाने का कोई मतलब नहीं है। तो सुखदेव जी बेचारे तो जो है वो दोष पाप से परे नंग धड़ंग साधु, तो कहे कि भाई बदला बदली हो जाए। बोले हाँ कोई हर्ज नहीं है, हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उन्होंने चिंतन किया तो बोले ये क्या बोल रहे हैं, अमृत से और नारायण की कथा की तुलना ये कैसे हो सकता है? बस वो तुरंत कहना ना 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 ना, यू ऑल आर डिस्क्वालिफाइड, आप में से कोई योग्य नहीं है कथा सुनने लायक। बोले ये क्या बात है? बोले तुमने नारायण की कथा का की तुलना अमृत से कर दिया। अमृत क्या करेगा? अमृत पी करके आदमी मरेगा नहीं या स्वर्ग चला जाएगा? तो जब स्वर्ग चला जाएगा तो एक निश्चित समय के बाद जब उसकी पुण्य की एफडी खत्म हो जाएगी, डिपॉजिट जब खत्म हो जाएगा तब तो आएगा नीचे ना। और इनको जो हम सुना रहे हैं ये तो फॉरएवर है, जन्म जन्मांतर के लिए है, आने जाने के बंधन से मुक्त करने के लिए है। और परीक्षित जी को कथा कहे तुम लोग बहुत डिस्टर्ब किए, यहां से अब निकल लो धीरे से। देवता तो देवता, उनका अपना अभिमान है, उनके अपने ईगो हैं, क्योंकि प्रभुता पाही काही मद नाही, जरा सा मिलता है तो थामे नहीं थमती है। तो उनके पास तो बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बताता हूं तुमको। गए ब्रह्मा जी के यहां। बोले ये क्या तरीका है, हम लोग इतना योग्य हो करके और गए थे कि हमको कथा सुना दो, कथा दे दो, और बदले में हम अमृत दे रहे हैं, तो नंग धड़ंग साधु जो है वो कह रहा है कि यू ऑल आर डिस्क्वालिफाइड। बताइए मैं वरुण, मैं चाहूं तो एक मिनट में प्रलय कर लूं,
अभी यहाँ पूरा जलधारा बह जाए, किसी जीव का पता न चले। अग्नि ने कहा, मेरा प्रकोप तो आप जानते ही हैं, मैं तो पूरा संसार जला दूं एक मिनट में। और इंद्र तो इंद्र ही है। ब्रह्मा जी ने सबका सबकी सुनी, उसके बाद कहे कि शांति से बैठो। और इधर बात चली रही थी तब तक बगल से जो है राजा परीक्षित का विमान उड़ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, धुंधुबी बज रही है, और परीक्षित जी चले जा रहे हैं, और ये लोग अपनी शिकायतें ही कर रहे हैं, चाँव चाँव करके, कह रहे मुझको कथा नहीं सुनाए हो। तब तक घड़ी घंट की आवाज़ आई। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? थोड़ा ध्यान लगाए, बोले वो गए परीक्षित और कथा भी गई, अब राधे राधे बोलो। और परीक्षित जी वहीं बगल से ब्रह्मा जी के उड़ गए और ये लोग देखते रह गए। तो कथा का अभिप्राय है कि ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय सीधे से विनय अनवत होकर के बैठ जाइए, और आधा श्लोक, एक श्लोक इसके शुरू में लिखा हुआ है कि जो भी कुछ कान में चला जाए वो कर्ण रसायन के रूप में है, और उतने से ही मुक्ति हो जाती है। भाव बहुत बड़ी चीज है, भाव अभाव में आता है। जब भरा हुआ रहेगा, जब अभिमान रहेगा हृदय के अंदर, चित्त के अंदर, तब आप ये समझ लीजिए कि कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सब पहले, अब तो पता नहीं कौन सी शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद ही नहीं जान रहे हैं। कॉन्वेंट भेजने से बाज नहीं आते हैं, अंग्रेजी में कुछ लिखा रहता है वहां, पता नहीं बच्चे समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, हम तो नहीं समझ पाते हैं। और पहले बढ़िया बढ़िया संस्कृत में, हिंदी में, श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के, और एक से एक नीति नवनीतम लिखे रहते थे और सबको याद रहता था। प्रजापतिस्तुम प्रपिता महस्य नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। श्रीमद् भागवत गीता का यह एक श्लोक, जो बहुत सारे लोग इसमें हमारी उम्र के भी हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ भी लोग हैं, बड़े भी लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो तो जरूर पढ़े हैं, क्योंकि उसके दसों साल बाद से सब ये सब लफड़ा चालू हुआ है अंग्रेजी वाला। और अंग्रेजों ने इतनी साजिश किया भैया, इतनी साजिश किया है हमारी संस्कृत को नष्ट करने के लिए, कि उन्होंने देखा कि, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कौन से पंडित जी हैं, भागवत कथा सुनानी चाहिए, बात बात में गाय की बात ले आते हैं, बात बात में गाय की बात ले आते हैं। अरे गाय की बात कैसे नहीं आई, गाय को ही तो मारना शुरू किया कलयुग ने, तभी तो परीक्षित से भिड़ गई बात, तो गाय को कैसे छोड़ सकते, गाय नहीं छोड़ सकते। और जब बात बात में गाय की कथा इसलिए सुनाते हैं कि गाय ही हमारी मूल है। अंग्रेजों ने जब देखा कि यहां का आदमी अजीब टाइप का आदमी है, इसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, यह सिर्फ सिर्फ गाय का दूध दूहता है और अपने खेत में जो अन्न पाता उसी में मस्त रहता है, लाठी लेके खेत में पड़ा रहता है, इसको और किसी चीज से जरूरत नहीं है, एक कपड़े को पता नहीं कितने दिन पहनता है, समय आता है तो जूता सिर पर रख लेता है, ज्यादा के पास है नहीं, और जिसके पास है भी तो पानी में जाने नहीं देता, उससे उसको उनको लग गया कि यहां संभव नहीं है, यहां कुछ संभव नहीं है, यहां कोई राज नहीं कर सकता है। तो बड़ी बहुत ही कुटिलता से, बहुत ही चालाकी से उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसका जो आर्थिक साधन है वो है गऊ, तो ऐसा करो कि अब गऊ को हटाने की व्यवस्था करो। और उसने भैया हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, बोला इनकी तो मां है, तो मां को तो, मां का तो ये बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, तो अब क्या किया जाए? बोले वो जो भाई इनका दूसरा वाला है वो कम मानता है मां को, उसी को लगा दो, वो काटेगा, क्योंकि उसका इतिहास ही वही है, काटना मारना फिर बैठ जाना, बोले वो कर लेगा, उसको लगा दो। और इन्होंने उसको लगा दिया और ये डिवाइड एंड रूल में कामयाब हो गए। और आपको बताएं, हम आप अब
पहली तारीख को हवन होगा, उसके 25 दिन बाद 26 जनवरी मनाएंगे, झंडारोहण करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वह स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली है। हमें तब मिली, हमने तब तक नहीं बोला जब तक हमारे लोग मारे जाते रहे, हमने कभी नहीं बोला। लेकिन जब गौ हत्या होने लगी, जब गौ के ऊपर प्रहार किया अंग्रेजों ने, और जब इस तरह के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दिया, मुसलमानों से हमारी गौ माता को कटवाने लगे, तब लोग आगे आ गए और कहे कि अब माँ के ऊपर प्रहार बर्दाश्त नहीं है। अभी तक तो तुम जो भी कर रहे थे चल रहा है, लेकिन माँ के ऊपर प्रहार बर्दाश्त नहीं है, और उसके बाद ही हमें यह स्वतंत्रता मिली है। वो गौ उसके मूल में है, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसलिए आज जब हम लोग 50, 60 साल, 70 साल इस आजादी के मना रहे हैं, अभी फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी दिवस, तिरंगा प्यारा, वो जब हम करेंगे तो उसके मूल में झांकने की आवश्यकता है कि ये वास्तव में प्राप्त कैसे हुई। और जब यह आजादी मिली तो समझौता भी यही हुआ था कि गौ की हत्या बंद होगी। उस समझौते का जिक्र बीजेपी जब सत्ता से बाहर रहती है तब दिखाती थी, अब नहीं दिखाती है। लेकिन हमें किसी पार्टी या किसी संगठन की बुराई या अच्छाई करने का यहाँ से बैठ करके अधिकार नहीं है। ये तो प्रसंग आने बस मैंने कह दिया है। हमको केवल गौ माता का भजन करना है और अपने अपने हृदय में गौ माता के प्रति स्नेह स्थापित करना है। आप देखिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। राजा तो हम ही लोगों ने बनाया है ना, कि अपने आप बन गए, अपने आप नहीं बने। तो गौ के प्रति आपके सबके मन में जहां स्नेह हुआ, मैं पहले ही दिन से बता रहा हूं, आपके जीवन की आधी से ज्यादा मुश्किलें गौ की सेवा से खत्म हो जाएंगी। रोज गौ ग्रास निकालिए, नहीं कुछ कर सकते हैं। सभी गांव देहात से संपर्क में हैं, इस एरिया में भी गैया मैया कथा सुनने रोज ही आती है, हम देखते हैं यहाँ से। आप लोग तो मुझे देखते हैं, हम उन्हें देखते रहते हैं, वो आती है दर्शन दे के चली जाती है। बोलिए गौ मैया की, गोविंद भगवान की, वाकी बिहारी लाल की। जिस नारायण के शिव विग्रह की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, वह नारायण स्वयं गोपाल है। गोपाल नाम से उनको क्यों गोपाल कहा गया, ये गोवर्धन लीला में आप लोगों को बताएंगे जिस दिन भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। लेकिन इतनी मूल बात आप लोग जान लीजिए कि जब तक इंद्र के प्रकोप से भगवान कृष्ण की प्रजा पीड़ित होती रही, भगवान कृष्ण ने इंद्र को चू नहीं बोला, बोला कर लो जो करना है तुम्हें अपने मन से। और इंद्र ने देखा कि इतनी प्रजा मर रही है इंद्र के भयंकर प्रकोप से, उसके बाद भी कृष्ण के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, तो इंद्र को समझ में आ गया कि अगर किसी को परेशान करना है तो उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको आप ले लीजिए, उसको आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर दीजिए तो देखिए वो तुरंत एक्शन में आ जाएगा। और इंद्र ने अपने घनघोर मेघों को आदेश दिया कि कृष्ण की जितनी गैया हैं ऐसी बारिश करो कि वो सब मर मर करके अपने अपनी जगह पर बेहाल हो जाएं। और इंद्र के आदेश पर उसकी जो भयंकर मेघ थे उन्होंने ऐसी बारिश की, ये सवत्सा गौवें बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ गौवें वहां मरने लगी। और कृष्ण ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा इंद्र तुम्हारा। और उन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया और उस गोवर्धन के नीचे पूरी प्रजा गौओं सहित आ गई। इस पूरी भागवत महापुराण से लेकर के हमारे जितने भी आरसो ग्रंथ हैं उसमें हमें यह देखना है कि भगवान ने किया क्या है।
गौ की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया, इसलिए वो गोपाल कहलाए। फिर इंद्र आया, सरेंडर हुआ वहां पर और उनको गोपाल के पद पर प्रतिष्ठित किया, सोर्स लगवाया, अकेले आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, गौ माता को आगे कर दिया। मां तो मां कर दिया, गलती तो कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गौ को छोड़ करके अगर हम कुछ करते हैं तो इस कथा भागवत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे बीच में, चंद्रभूषण तिवारी जी आए हैं, वो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं व्यासपीठ से। इनकी बहुत अच्छी रचना है, पता नहीं इन्हें याद है इस समय कि नहीं याद है। ये कहते हैं कि जब चराता है बन बन में गैया, कैसे कह दूं वो ग्वाला नहीं है। गाय को चराने के लिए भगवान कृष्ण जो है अपनी माँ से जिद कर लिए कि मैं जूता नहीं पहनूंगा तब तक जब तक सारी गैयों के लिए जूता नहीं पहना जाएगा। बोली क्या तुमने जो है गड़बड़ कर दी हो, अरे गाय तो जानवर है और तुम जो है, तुम तो हमारे लाला हो, तुम्हारे पैर इतने कोमल हैं, सुकोमल हैं, अब तुम गाय से और अपनी तुलना। कृष्ण ने उठाया सब बांसुरी फांसुरी फेंक पाक दिया, कहा तुमने कैसे कह दिया जानवर गाय को, और छैला गए जैसे बच्चे अभी आपके नाराज हो जाते हैं। कहा मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अंत में नंद बाबा को जितनी गायें थी उनके सबके पांव में जूते बनवाने पड़े, तब जाकर के उन्होंने गोचारण लीला को संपादित किया। इसके माध्यम से वो यही बताना चाह रहे थे कि हमारी जो सबसे सुंदर कृति है परमात्मा की बनाई हुई मनुष्य, वो जब अपने फार्म में आएगा तो गाय को ही सबसे ज़्यादा पीड़ित करेगा, माता पिता को ही सबसे ज़्यादा पीड़ित करेगा, सबसे ज़्यादा उपेक्षित उसी उपेक्षा उसी की करेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा समय देता है, अपना अपने शरीर की जरा भी चिंता नहीं करता है। जैसा कि हम बताए आप लोगों को कि प्रचंड ठंडक में जिन माताओं के छोटे बच्चे हैं वो ये ध्यान नहीं देती हैं कि नहीं बच्चा का कपड़ा गीला है तो उसको कैसे, उसको तुरंत अपने आंचल से अपने कपड़े से उसको पोंछ देती हैं, उसको कहीं से ठंडक न लग जाए। और अगर कहीं से लग भी गई तो सासू माँ ने ले लिया क्लास। और देखिए कितनी, मैंने कितनी रिच संस्कृति है हमारी, हम लोग पता नहीं कहाँ अंधराए हुए हैं, पागल हुए जा रहे हैं कि तबीयत खराब हो रही है बच्चे की, जुकाम हो रहा है बच्चे को और दवा पिलाया जा रहा है माँ को। क्या कनेक्शन है कि दूध पिएगा बालक तो ठीक होगा, इस संस्कृत को वो पाश्चात्य संस्कृत पाएगी जहां रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं, रोज परिवर्तन है, रोज परिवर्तन है। यहां तो जो है अग्नि का साक्षी मान करके हम लोग जन्म जन्मांतर की परंपरा वाले लोग हैं, सात जन्मों के बंधन की बात करते हैं और वो सात मिनट भी सात घंटे भी नहीं एक साथ रहने की बात करते हैं। हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम पाश्चात्य को इतना ग्रहण करते जा रहे हैं, इतना ग्रहण करते जा रहे हैं इस टेलीविजन और मोबाइल और तमाम सारे संचार के साधनों के माध्यम से कि हम अपनी मूल संस्कृति से हट करके और बकवास की चीजों में अपने आप को लगा दिए। बताइए ऐसी ऐसी संस्कृत कहाँ है कि बच्चा बीमार हो और दवा माँ को दी जाए। लेकिन पाश्चात्य ने उसको भी गड़बड़ कर दिया, उसने बोतल पद्धति ले आके रख दिया, लो बेटा हमारी फिजिक खराब हो जाएगी, माफ करेंगी माताएं अगर हमसे कहीं कोई गलती हो रही, पियो बोतल तो लो, पियो बोतल तो खाओ लात, जब जो है हमको वात्सल्य नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें क्या जानेंगे, हमने बोतल से पिया। तो ये सारी चीजें हमारी जो मूल संस्कृत है उसका ध्यान रखना है और हमको अपने मूल संस्कृत पे सदैव ध्यान रखना है। ये शरीर जो है ये पूरी तरह से समझौता है, यहां जिस दिन इस मृत लोक में आपने चरण रख दिया तो जब तक आप अबोध हैं तब तक तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है थोड़ा हो जाएगा, आप जैसे चाहें वैसे कर लें, लेकिन जैसे ही जैसे
शरीर बढ़ता है, वैसे ही वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। और केवल 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 जीवन ये समझौता है, यहाँ पर सुख की कामना करना, सुख की कल्पना करना सिवाय मूर्खता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जय हो, जय। सुख किस बात में है? कि सुख इस बात में है कि आप सब में रहते हुए सब न के बराबर हो जाए आपको। और वो आएगा कैसे? वो इसी सत्संग से आएगा, वो इसी श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से आएगा। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप लोग करिए, अपने घर में करिए। अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकती हैं तो हिंदी अर्थ पकड़िए। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी एक आदमी, कोई भी एक माता, एक महीने के लिए पाठ करिए और अर्थ को पढ़िए। कई बार ऐसा होगा कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, विरक्ति आ जाएगी आपके मन में। और विरक्ति का मतलब ये नहीं कि हम सबको साधु बनाना चाहते हैं, मैं स्वयं गृहस्थ हूं। विरक्ति का मतलब कि उतनी आसक्ति आवश्यक है कि जिससे व्यवस्था चलती रहे। और अपने को क्या चाहिए? इस आंत का जो साइज है, कोई 500 ग्राम अन्न भर के इसमें दिखा दे, जिसकी बहुत आवश्यकता है वो 500 ग्राम अन्न इसमें भर के दिखा दे तो हम जान जाए। 250 ग्राम अधिकतम। और अब तो दो रोटी खाने के बाद दुनिया भर के रोग हैं। तो सारा जो इंतजाम है वो इस शरीर के लिए हो रहा है, और शरीर जो है वो 100 साल से 60 साल पे आके निपट रहा है। हार्ट अटैक 40 साल में हो रहा है, 45 साल में हो रहा है, 35 साल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि गोद्रव्य शरीर में नहीं है, गौ माता का दूध शरीर में नहीं जा रहा है, बुद्धि नष्ट हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है। और हम आप एकदम दिग्भ्रमित हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं है। आपस में इतना वैमनस्य है कि मां और पुत्र में, माता और पुत्री में ऐसे विवाद देखने को मिल रहे हैं जो शायद कभी समझा नहीं जा सकता है। संतान अपने माता पिता का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। और उनको यह मालूम है कि 20 साल बाद यही रिपीट होगा। एक संतान को बढ़ने में कितना समय लगता है? 20 साल। 18 साल में सरकार बालिग कर देती है, 20-22 साल में आप पिता माता बनने के योग्य हो जाते हैं। और उसके बाद 20 साल और लगता है जब वो आपके बराबर हो जाते हैं और उसको रिपीट करते हैं। माने 40 साल के मामले में सब आंख के सामने आ जाता है। और जब आप देखते रहते हैं व्यवस्था, उसी के सामने ही सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद भी अंतर मन इतना मलिन है, अन्न इतना खराब है, शरीर में गोद्रव्य का इतना अभाव है, गाय का कोई भी शुद्ध चीज नहीं जा रहा है शरीर में, जिसकी वजह से हमारी मति भ्रष्ट है। और मान सम्मान, उचित अनुचित की सारी जो स्थितियां हैं वो उसको हम लोग परे कर चुके हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, गौ की कथा, गौ की व्यथा, अगर गौ जब तक नहीं रहेगी तब तक हम लोग ये समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। गौ की रक्षा जो है वो आत्मरक्षा है, क्योंकि गौ ही गोपाल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाओ ममाग्रतः संतु, गाओ मे संतु पृष्ठतः, गाओ मे हृदयम नित्यम, गवांग मध्ये बसाम्य हम। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, मैं गायों के बीच में हूं, गवांग मध्ये बसाम्य हम। और उस कृष्ण को हम सुबह शाम घड़ी घंट बजा रहे हैं, दुनिया भर की आरती, दुनिया भर का जो है वो धूप कपूर अगरबत्ती सब सुलगा दे रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। बच्चे ने चाय लेके आकर हटाओ उधर, अभी पूजा कर रहे हैं, प्रेम आया ही नहीं, कौन पूजा कर रहे हैं? अगर पूजा करने से मन में भाव नहीं आया, भाव में मन में सद्भाव नहीं आया, प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं आया, तो ऐसी पूजा करने का क्या फायदा है? तो आपको आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैचारिक मतभेद किसी किसी चीज पर हो सकता है,
लेकिन वैचारिक मतभेद और वैचारिक मतभिन्नता इस स्तर पर पहुंच जाए कि हम आपको दुश्मन समझने लगे, ये बड़ा गलत है। हमें वो समय याद है जब गांव में भाइयों भाइयों का मुकदमा होता था, वो कोर्ट कचहरी जाते थे, तो कोर्ट कचहरी जाते थे लेकिन पानी एक ही जगह बैठ के पीते थे, तारीख दोनों की लगती थी लेकिन एक ही जगह बैठ करके जलपान करते थे। लेकिन आज वो चीज घर में भी नहीं है, बाहर की तो बात छोड़ दी। ये कथा से थोड़ा हट करके व्यवहारिक जीवन की बातें हो गई, क्योंकि और जो विधाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वहां कथा नहीं है, वहां तो स्टोरी है। और अपने यहां जो कथा है वो कथा जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए है। अगर इस कथा को सुनने से मेरे मन की मैल नहीं गई तो यहां 7 दिन समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं। अगर हमारे मन में जाकर के प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव सृजित नहीं हुआ तो मंजू जी के इतना सारा पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। ये तो कह रही थी वही छत पे कर दीजिए महाराज, टेंट तम्बू में कहां इतना पैसा फंसा रहे हैं। हमने कहा इतनी पतली सीढ़ी है, कौन चढ़ के आएगा। तो कहीं हाँ ये बात तो है, तो हम कहा जब कर रही है तो ऐसा करिए कि 10 लोगों को भी उसका फायदा मिले, औरन को शीतल करे, आपहू शीतल होए, हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी, जो आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इनका, कि जो कुछ भी जैसे भी मेरी इच्छा थी उन्होंने उसके हिसाब से सारा इंतजाम किया है। और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ आप लोगों के सामने बैठ करके कथा सुनाने में। और यही है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने कराया होगा। कथा के प्रारंभ में ही लिख दिया गया है कि बढ़िया पंडाल लगवाइए, बढ़िया व्यवस्था करिए और दूर दूर तक नाते रिश्तेदारों को खूब बुलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ले लेंगे वो भी पुण्य आपको ही मिलेगा। इसीलिए आज देखिए यहाँ तो कुछ भीड़ दिखी नहीं रही है, लेकिन हमारे और कथाओं में और बहुत बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के संत लोग हैं उनकी कथाओं में आप देखिए कि कितनी भीड़ होती है। लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि साहब करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या मतलब है इस कथा का। अरे उनको ये नहीं मालूम है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो भारत में 125 करोड़ लोग हैं, टेलीविजन के माध्यम से कितने करोड़ लोगों के घरों में यह संदेश जा रहा है, उसमें से कितने लोग अपनी बुद्धिमान चित्त को कम से कम 4 घंटे के लिए निर्मल किए हुए हैं, यह क्या कम है। तो उनकी बुद्धि बंद हो गई, वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, उनका एक ही सिद्धांत होता है, न काम करो और न किसी को करने दो। वो कहते हैं जो तुमने कमाया है उसी में से दे दो हमको, क्योंकि बराबरी होनी चाहिए। भैया बराबरी कैसे होगी, सब स्वेटर बनियाइन दो दो तो तीन तीन तो पहने हैं, पंडित जी अकेले पहन के बैठे हुए हैं, तो बराबरी कैसे होगी। बराबरी नहीं होगी, जो श्रम करेगा उसका श्रम हमेशा पूज्यमान होगा, जो तपस्या करेगा, जो इस शरीर को भोग से दूर रखेगा, जो इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं समझेगा कि ये केवल खाने पीने और ऐश आराम के लिए हुआ है, वह सदैव पूज्यमान होगा। आइए हम लोग हिरण्याक्ष वध की कथा सुनते हैं। और बार बोलो राधा रमण बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको देख रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं समझ लीजिएगा, बोलने वालों द्वारा और जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके द्वारा किया हुआ पाप जो नहीं बोल रहे हैं उनको पकड़ लेगा, इसलिए आप लोग ये बात को समझ लीजिएगा।
हरे कृष्ण तो एक बार जोर से हरे हरे बाबा बिहारी लाल की। इस बार सबका उठ गया, बिन भय हो हिन प्रीति हैं, बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत और बोले राम सकोप तब, बिन भय हो इन प्रीति। जैसे ही डर लगा कि अरे आ जाएगा उनका वाला भी, मेरा तो है ही है, उनका वाला भी आ गया, तो पूरे हाथ उठ गए, न साल की परवाह है न स्वेटर की, पूरा पूरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम। अब बात आ रही है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु की। ये दो ऐसे राक्षस भागवत कथा में हैं जिन्होंने स्वयं नारायण को ही चुनौती दे दिया, और ज़्यादातर ये जो देवी देवता हैं वो आशीर्वाद दे करके अपने लिए खुद ही संकट खड़ा करते हैं। अब वो जो सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, थोड़ा सा सेवा हो गई पंडित जी की, पंडित जी ने कहा यो मस्तु। अब यो मस्तु में जजमान का क्या स्वार्थ छुपा हुआ है उसकी पंडित जी ने बहुत फाइन जांच नहीं किया, उनका यो मस्तु। जब एक बार यो मस्तु तो यो मस्तु, जैसे कथा अभी पूरी हुई नहीं, अभी 7 दिन है, लेकिन मंजू जी कह रही बहन वाला बता दीजिए महाराज। हमने कहा भैया बता देंगे, आप क्या चाहती हैं कि पहले से थोड़ा दान दक्षिणा तो देने दीजिए, थोड़ा निकालने तो दीजिए। बोली महाराज अच्छा ठीक है। फिर कल बोली कि अच्छा कब बताएंगे, हमने कहा बता देंगे आप चिंता न करिए। कहे नहीं नहीं बता ही दीजिए महाराज, जल्दी से हमें बड़ी चिंता होती है। हमने कहा भाई हमारा भी स्वार्थ है, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, हम सोच रहे हैं कि अंतिम में दक्षिणा कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी हम होल्ड किए हुए हैं, ये होल्ड पे है, हैं थोड़ा बहुत बता दिया कल। हमने कहा घबराइए नहीं, बाकी आगे बता देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनक और सनंदन सनातन, आप लोगों ने कल जब भगवान के 24 अवतारों की बात हो रही थी तो उसमें आप लोगों ने सुना, तो ये भगवान के अवतारों में पहले अवतार हैं जो ब्राह्मणों के रूप में हुए थे और बहुत ही धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ये भगवान के स्वरूप ही थे। एक बार ये नारायण के दरबार में गए तो ज़्यादातर यही होता है कि जैसे जो पावरफुल आदमी होता है वो जब कहीं आता जाता है तो उसके लिए रोक टोक थोड़ा कम होती है, क्योंकि वो वीआईपी है, वीवीआईपी है, तो वो जो है नारायण के दरबार में गए। उनको मालूम है कि नारायण ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो थोड़ा और भी अंदर से आ जाता है, कौन आ गया रास्ते में, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा मालिक खुद ही यहाँ जो है दौड़ के आते हैं, कैसे रोक दिया। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म कैसे हुआ, सनक सनंदन ये एक बार नारायण के दरबार में गए और वहाँ जय और विजय नाम के भगवान के दो पार्षद थे जिन्होंने इन्हें रोक दिया। कहा रुकिए, अरे बोले जानते नहीं हो कौन हूँ, तुम कैसे हो, तुमको पता नहीं है स्वर्ग की क्या व्यवस्था है, गोलोक धाम की, तुम भेद करते हो, यहाँ जो आता है वो एकदम लाइसेंसी ही आता है, वहाँ यहाँ इधर उधर के लोग नहीं आते, कैसे कैसे तुमने भेद कर दिया। बोले वो चाहे कुछ हो, ये मायावती का शासन है, बुला लिया जाएगा कि आओ, लेकिन चेकिंग फिर भी हो जाएगी, ऐसा हो चुका है। विशेष उस पर बुलाया गया, उसके बाद एक सज्जन बैठे हुए थे बहुत बड़े अधिकारी, दुर्भाग्य से इस समय चोटग्रस्त हो गए हैं और उनके ही बुलावे पे
वहाँ जाना हो पाया था, और वो जो है गेट पर सिक्योरिटी ने पहले पूरा खूब खलिया लिया महाराज को, फिर उधर दौड़ के आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे है? समझ में नहीं आता कैसे तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या। वो तो बहरहाल हुआ वही, सनक सनंदन वहाँ पहुँचे और जय विजय ने कहा ना ना जा नहीं सकते हो। कैसे जा सकते हो? बोले यार तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? यहाँ गोलोक धाम में जो लोग भी आते हैं वो बहुत VIP ही आते हैं, यहाँ सब आ नहीं पाते हैं, जो उस योग्य होते हैं वही आते हैं, और तुम गड़बड़ मत करो। बोले ना नारायण का आदेश से जा नहीं सकते हो, रुको यहीं पे। नारायण तक सूचना पहुंची, भागे भागे दौड़े आए, बोले अरे भैया ब्राह्मण का अपमान ये कैसे हो सकता है। दौड़ करके आए और जय विजय को जो है उन्होंने बहुत डांटा, उन्होंने कहा तुम लोग बार बार धृष्टता करते हो, समझा चुके हैं फिर भी नहीं समझते हो, और क्यों ऐसे रोक दिया? तुमने एक बार लक्ष्मी जी के साथ भी ऐसा किया है, उस बार तो माफ़ किया था और लक्ष्मी जी आ रही थी, तुम लोगों ने उनको रोक दिया, ये क्या तरीका है? और इधर चोर से कहें कि चोरी करो, साहस कहें कि जागते रहो, तो एक तरफ तो कहते कादेश ड्यूटी होनी चाहिए, अब वो बेचारे क्या करें। और इधर पंडित जी महाराज पहुँचे, बहरहाल ब्राह्मणों का अपमान भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया, और जय और विजय जो महाराज नारायण के पार्षद थे उनका डिमोशन हो गया और वहाँ से छुट्टी कर दी गई। आकाश से गिरे तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि पतन के बाद जब योगी तपोनिष्ठ कोई भी योग की जो चरम सीमा पर जो नारायण तक पहुंच चुका है, जो नारायण का पार्षद है, उसका जब अधः पतन होता है तो फिर सृष्टि में समझ लीजिए कि प्रलय ही होता है। और इसके बाद का नज़ारा और भी बहुत खराब था, और ये जब इनका पतन हो रहा था और ये गिर रहे थे तो चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा हुआ था। देवताओं ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसी का ये सब मामला है। इधर दिति माता जो हैं वो कश्यप ऋषि के तेज से गर्भवती थी और नारायण के कृपा से ये जय और विजय दिति माता के गर्भ में स्थापित हो गए। कश्यप जी जानते थे, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र है जब ये पैदा होगा तो समझो पृथ्वी पर अनर्थ हो जाएगा, और पृथ्वी पर ही नहीं तीनों लोकों में अनर्थ होगा। अब बहुत माताएं डर बहुत जल्दी जाती हैं, बस उनको केवल एक बात बता भर दीजिए तो तुरंत संके में आ जाती हैं, अब बड़ा गड़बड़ होगा, और इस डर के मारे वो हिरणाक्ष को पूरे 100 साल तक गर्भ में ही रखा, कहीं जब भी निकलेंगे बाहर तो आफतें आएगी, फायदा क्या है अंदर रहो। लेकिन अब हर चीज की एक सीमा होती है, तो जब निकले बाहर तब हुआ हंगामा, क्योंकि कह चुके थे कश्यप जी कि ये निकलेंगे तो गड़बड़ होगा। अब जब 100 वर्ष के बाद ये दो बाहर आए तो जुड़वे यमज थे, ये मैं राक्षसे थे एकदम से, और जो है जुड़वे निकले तो इनकी आकृति क्या थी? बड़े बड़े पहाड़ की तरह से, और लंबाई चौड़ाई इतनी कि मुकुट जो इन्होंने पहन रखा था सुवर्ण का वो स्वर्ग को छू रहा था, इस आकृति की थी इनकी आकृति। और जब ये आए धरा पर तो चारों तरफ कोलाहल, पेड़ पौधे आंधी तूफान सब एकदम तहस नहस, और ये केवल धरती पर नहीं तीनों लोकों में हंगामा मच गया, सब जगह हाहाकार मच गया। कुछ बजाइए नहीं, वो सब लोग समझ रहे हैं, इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो
बहरहाल ये आ गए और आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ। फिर जैसे ही बताया था कथा के पहले दिन की धुंधकारी आया और जैसे ही बड़ा हुआ तो लगा बच्चों को ढकेलने कुएं में, क्योंकि स्वभाव है ना, जैसा सृजन है, जिस तरह की सृष्टि है व्यक्ति की, जिस तरह का बीज है उसी तरह का तो गुण आएगा। तो ये सब भी चूंकि भगवान के पार्षद ही थे और दिति माता के गर्भ से कश्यप ऋषि के तेज के रूप में प्रतिस्थापित हुए थे, तो ये महाबली थे। और जब ये आए तो फिर ये चूंकि राक्षस प्रवृत्ति के थे तो किसी को बख्श नहीं रहे थे, जहां जाए वहां एकदम बराबर धरती कर देते थे। एक बार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई थे और दोनों में एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह था। एक बार हिरणाक्ष जो है वो गया रसातल को और वहां वरुण को उसने बहुत हड़काया, और ये जहां भी जाते थे वहां पर देवता होता तो ऐसे छिप के छिप जाते थे, जैसे गरुण को देख करके सांप बिल में घुस जाता है, वैसे ये जब पहुंच जाए तो वहां पर आप समझ लीजिए कि बड़ी दिक्कत हो जाती थी। और देवता होता अपनी जगह ले लेते थे, भैया ये हवा बयार निकल जाता, भाई ठीक है कोई जरूरत नहीं कि इनके सामने आए। तो गया और इसने वरुण को काफी नीच आदमी को जब शक्ति मिल जाती है तो बड़ा दंभ में आ जाता है, उसने व्यंग बाण के रूप में वरुण को कहा कि ऐसा है वरुण जी कि आप तो बड़े शक्तिमान हैं और आप तो बड़े उच्च कोटि के देवता हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि वरुण से कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमें आप युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। हिरणाक्ष ने कहा कि युद्ध की भिक्षा हमें दे दीजिए। वरुण देव समझ गए थे, जैसे आपके यहाँ कोई आए और वो ये समझे, आप समझ जाएं कि किस भाव से आया है, भले पड़ोसी कुछ मांगने आई हो यह जानते हुए भी कि आप जानती हैं कि उसके यहाँ सब कुछ भरा है, लेकिन फिर भी आपका टेस्ट लेने के लिए ही चाहे ये भले कुछ मांगने आई हो तो आपको उसका भाव समझ में आ जाता है। आपके व्यापारी एसोसिएशन के ना, अच्छा सभासद साहब हैं, अरे तो बिना सभासद के कहाँ कथा हो पाएगी, इनके क्षेत्र में रहना है तो राधे राधे कहना है। अभी जब जाने लगेंगे तो व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर के और तिलक उलक करवा कर भेजिएगा, ऐसे ना भेजिएगा। तो वरुण देव को हिरणाक्ष ने कहा कि भाई हमको जो है युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। तो वरुण तो समझ गए थे कि ये जो है इस समय अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देखो हमारा मन उन अब लड़ाई उड़ाई का है नहीं, हम तो एकदम सीधे साधे हो गए हैं, हमने बहुत लड़ उड़ लिया, तुम ऐसा करो कि नारायण के यहाँ जाओ, वही तुम्हारा घमंड चूर करेंगे। उसने कहा ठीक है, वे तो पहले सरेंडर कर गए। नारद जी को खोजा हिरणाक्ष ने, कहा कि कहाँ है नारायण। नारद जी ने नारायण का पता हिरणाक्ष को बता दिया कि जाओ मिल लो। नारद जी तो चाहते ही हैं कि कुछ न कुछ होता रहे, थोड़ा मनोरंजन, वो बहुत मनोरंजन प्रेमी है, कहीं भी जाएंगे बीड़ा बजा करके कुछ न कुछ लगा देंगे जरा सा धीरे धीरे और उसके बाद निकल लेंगे। कह जाओ, गया वहां तो देख रहा है कि नारायण जो है सूकर के रूप में अपने, सूकर को जो बाल निकले होते हैं मूंछों के सामने, उस ठुड्डी पर जो है वो पृथ्वी को लिए हुए नारायण चले आ रहे हैं। उसने कहा रुकिए रुकिए,
ये क्या तरीका है? ब्रह्मा जी ने ये इस पृथ्वी को रसातल के जिम्मे कर दिया है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इसका अधिकार हमको है, हमें मिला हुआ है, कैसे आप कर रहे हैं ऐसा? ठीक नहीं बात है। रखिए, भगवान ने नहीं सुना, इग्नोर कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़े हृदय का व्यक्ति हो लेकिन वो छोटी छोटी बातों को अनसुना कर दे। भगवान ने अनसुना कर दिया, लेकिन वो तो मानने वाला था नहीं, उसने पिछिया लिया, कहा सुनिए सुनिए ये कहाँ, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ी देर तक सुनते रहे नारायण, थोड़ी देर तक सुनते रहे, बाद में जब ऐसी स्थिति में आ गए कि पृथ्वी को सही ढंग से रखने की स्थिति में आ गए, पृथ्वी जहाँ से कायदे से अपना स्थान पा सकती थी वहाँ आए और पृथ्वी को वहीं पर निवास करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद बोले हाँ भाई, अब बोलो बताओ क्या बात है। बोला कि ये पृथ्वी जो आप ले करके आए हैं, ये आप लोग इतने मायावी हैं कि कोई पुरुषार्थ तो है नहीं, बस माया 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 करके हमारे जितने भी राक्षस भाई बंधु हैं उनको आप लोग धोखे से गड़बड़ करते हैं। जब एक बार ब्रह्मा ने दे दिया इसको, तो आप इसको कैसे ले जा सकते हैं पृथ्वी को? इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। और बोला कि तुम्हारी जंगली जानवर, तुम्हारी औकात कैसे कि तुमने इसको उठा लिया? नारायण हो तो रहे थे बहुत घायल, लेकिन नारायण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वविजेता हैं, और वही बुद्धि भी देते हैं कि आओ लड़ो, वही लड़ाते भी हैं। तो नारायण ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो, भागवत महापुराण में ग्राम सिंह शब्द आया है। नारायण ने कहा कि हाँ हम जंगली जानवर हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही हम खोजते रहते हैं, क्योंकि तुम ही हमारी भूख मिटा सकते हो। ग्राम सिंह ब्रैकेट में लिखा है कुत्ता। तो नारायण ने ग्राम सिंह शब्द जरूर इस्तेमाल किया। और किसको कहा जाता है ग्राम सिंह, ये उसमें जो है व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि आओ तुम्हें ही, हमारा भी तो, हमें भी तुम्हारा ही इंतजार था, आओ। नारायण के सामने हिरणाक्ष ने तरह तरह की कलाएं किया और भगवान को पहले बार में एक गदा कस के दे दिया। गदा जब मारा तो भगवान जो है वो थोड़ा सा बच गए। भागवत महापुराण में लिखा है कि वो ऐसे बच गए जैसे बहुत योगी जन जो है वह अपने जीवन की रक्षा के लिए मृत्यु से बच जाते हैं, कोई न कोई योग उपाय करके वो थोड़ा मृत्यु से किनारे हो जाते हैं। माने उसका, उसके गदा का प्रहार इतना तीव्र था कि वो काल के समान आ रहा था नारायण के सामने और वो थोड़ा सा हट गए। बाद में नारायण में और हिरणाक्ष में बहुत जम करके युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि नारायण के शरीर से भी बहुत खून निकला और हिरणाक्ष तो राक्षस था ही। और कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। बाद में नारायण ने जब अपनी सारी शक्ति उससे छीन लिया तब वो एकदम बेहाल हो गया। और जब बेहाल हो गया तो नारायण ने सिर्फ एक चाटा उसके मस्तिष्क पर मारा और एक चाटा में ही वो धराशायी हो गया। एक तरफ कहां बड़ा विकराल युद्ध और एक तरफ केवल एक चाटे की चोट और हिरणाक्ष धराशायी हो गया। और इस तरह से नारायण ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो इतनी सामर्थ्य और शक्ति हिरणाक्ष को दी गई थी, मृत्यु के भय से उसको मुक्त किया गया था, इस तरह से नारायण ने उसका समापन किया। एक छोटा सा कीर्तन करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रहलाद की कथा में आते हैं। तो
ध्रुव महाराज की चर्चा हम लोग करते हैं। मनु और शत्रुपा का नाम आप सब लोगों ने सुना है। सृष्टि के आदि में यही पुरुष के रूप में आए थे और यही सृष्टि के सृजन करता है। परमात्मा के आशीर्वाद से इन्होंने ही सृष्टि का प्रतिपादन किया, मनु और शत्रुपा ने। और इनके ही दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीता। सुरुचि और सुनीता में सुरुचि महाराज को बहुत, उत्तानपाद को बहुत प्रिय थी और सुनीता जो है वो धर्म को बहुत प्रिय थी, धर्मज्ञ बहुत थी। इसलिए जो है थोड़ा लल्लो चप्पो जो लोग कम कर पाते हैं उनकी पूछ कम होती है। तो वो तो भगवान के आश्रय में रहती थी। महाराज की कृपा से सुरुचि और सुनीति दोनों को एक एक पुत्र पैदा हुए थे। एक दिन की बात है कि सुरुचि के पुत्र को उत्तानपाद अपने गोद में लेकर के खिला रहे थे, बच्चों को जैसे खिलाया जाता है। और सुनीति के जो बेटे ध्रुव महाराज थे, 5 वर्ष से कम की ही उम्र में थे, तो उन्होंने पिता के सामने अपने दुलार को प्रदर्शित करने की कोशिश किया कि हमें भी उठा लीजिए, हमें भी वहाँ बैठा लीजिए। और बच्चों में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है। महाराज ने ध्रुव के इस प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। ध्रुव को ये बात अच्छी लगी नहीं और वो आ गए सुनीति के पास और उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमें गोद में बैठाया नहीं। और जब वो गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे थे तभी सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि तुम गोद में बैठने के लायक नहीं हो। अगर महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर के नारायण का स्मरण करो, नारायण का ध्यान करो, त्याग करो, तपस्या करो और तुम दासी पुत्र हो। थीं जबकि पत्नियां दोनों, लेकिन घर का मुखिया जिसको चाहेगा उसका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, जिसको नहीं चाहेगा उसका वर्चस्व कम रहेगा। समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, राजा हैं, दो करें चाहे चार, चार करें चाहे छह। तो प्रहलाद जी बहुत दुखी हो गए और वो माता के सामने रोते हुए आए तो माँ ने कहा कि बेटा, चाहे सुरुचि ने तुम्हें ताने में ही यह बात कही हो कि तुम जाकर के त्याग करो, तपस्या करो और नारायण की सेवा करो, लेकिन उसने बात सही कहा है, लेकिन उसने बात सही कहा है। तो बोले, क्या बात सही कहा है? हम इतनी सी छोटी सी उम्र में कौन सी तपस्या करेंगे, कौन सा त्याग करेंगे? तो सुनीति ने ध्रुव को बताया कि बेटा तपस्या कैसे करोगे। और 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव महाराज घर छोड़ करके निकल दिए। समझिए कि कैसी माँ होगी,
कैसा पिता होगा और वह बच्चा भी कैसा होगा जो बिना किसी चीज की परवाह किए हुए निकल दिया। चूंकि राजा का बेटा था तो क्षत्रिय का जो स्वभाव है, क्षत्रिय थे सुल्तानपाद, क्षत्रिय का जो स्वभाव है वह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ब्राह्मण तो तुरंत साथ दे देता है, क्षत्रिय जो है तीर धनुष निकाल लेता है, कहता है आओ अभी फरिया लिया जाए, यहीं सामने सामने, कोई ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्रुव जी क्योंकि भगवान के ही एक स्वरूप थे तो उनके अंदर इतना तमोगुण नहीं था, रजोगुण तो था, राजा के घर में पैदा होने से, राजा का पुत्र होने के नाते रजोगुण था, इसलिए वो चाहते तो सब कुछ थे लेकिन तमोगुण कम था। इधर ध्रुव महाराज निकल करके जंगल में बिना रास्ते के भटक रहे हैं, त्याग तपस्या करने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए, और भटकते रहे तो जो ये बायोलॉजिकल मदर फादर जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अपने अपनी संतान के क्या हैं, बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, माने शरीर देने वाले आप लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली मदर फादर कौन है, दैट इज गॉड, ऊपर वाला जाने, सब लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, बाकी भगवान जाने, हमसे जो हो सका वो हमने किया, बाकी भगवान जाने। तो भगवान वास्तव में जानता है और वह देख रहा है कि 5 वर्ष प्रसाद थोड़ा धीरे धीरे जो है, अभी देवियों थोड़ा आवाज धीरे धीरे, उधर एक तरफ से बच्चे, इधर से एक तरफ से आप लोग, तो फिर हमें चुप हो जाना पड़ेगा। इधर ध्रुव महाराज जो है वो जंगल में भटक रहे थे, नारायण ने देखा कि मेरा भक्त यूं ही भटक रहा है, तो नारद को कहा जाओ देखो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण, बताओ बेटा कैसे, बोला हमें नारायण को पाना है। बोले अरे ये कैसे होगा, तुम कैसे नारायण को पाओगे, बोले पाना है चाहे जैसे, आप ही बताइए कोई रास्ता। नारद जी तो समझ ही रहे थे लेकिन थोड़ा बात व्यवहार के लिए कुछ बात तो करनी पड़ती है। बाद में नारद जी ने पूछा कि भाई तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के तुम इस तरह से कैसे निकल आए यहाँ पर, एक तरफ कहाँ राजपाट, कहाँ तुम तपस्या कैसे कर पाओगे, तपस्या बहुत कठिन धर्म है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि हमको जो हम चाहते हैं उसको आप समझ लीजिए, हम वो चाहते हैं जो हमारे कुल परिवार खानदान में आज तक कोई ने किया हो। फिर एकदम लंबा टारगेट लेके उतर पड़े, हल्का फुल्का नहीं, फिर उत्तानपाद के गोद में बैठने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो टारगेट है वो चेंज हो गया है। बोले अब क्या है, बोले अब जो मनु और शत्रुपा और जो और लोग भी नहीं कर पाए, बस मैं वही चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना जो सेल्फ मेड हैं, कहते हैं हम सेल्फ मेड हैं महाराज जी, तो सेल्फ मेड है माने माई बाबू कुछ दिए नहीं हैं और जो कुछ भी है वो सब हमने अपनी करनी से किया है। अब उनको ये नहीं मालूम है कि मदर और फादर, माता और पिता का जो आशीर्वाद होता है वो कोई किसी गाड़ी पे लद के थोड़ी आता है, वो तो साइलेंट है, ब्लेसिंग्स आर साइलेंट। जो आशीर्वाद होता है वो साइलेंट है, वो आपकी जब रूहें आशीर्वाद देती हैं, खुश रहो बेटा खुश रहो बेटा, एक बार कह दिया तो बेटा तो खुश रहेगा ही रहेगा, फिर वो दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हृदय से कहा कि बेटा खुश रहो। तो ध्रुव जी कहे कि नहीं नहीं वो परिवार परंपरा से ऊपर का कुछ बताइए, हम ऐसा
गोल करना चाहते हैं कि फिर कोई नीचे ना बताए कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मारा था। नारद जी ने कहा ठीक है बेटा, बड़ी तपस्या है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तपस्या कहें कैसे करोगे, 5 साल के हो, कहें कोई बात नहीं आप बताइए। तो नारद जी जानते सब थे कि भाई भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही आदेश पे हम आए हैं, लेकिन हमको आपको समझने समझाने के लिए कि इस पुराण में कैसे लिखा जाएगा, अगर सब कुछ डायरेक्ट विधान बन जाएगा तो यह ठीक नहीं होगा। तो नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया, नारद जी गुरु बन गए। और नारद जी गुरु बने तो उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का दीक्षा दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप देखिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नारायण का मंत्र है, और सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, मनु और शत्रुपा ने भी इन्हीं मंत्रों का जप किया, और इन्हीं मंत्रों का जप करके भगवान राम को भी पा लिया। फिर नारद जी ने जप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हमने आप लोगों को बताया कि नारद जी दासी पुत्र थे और ऋषियों ने इन्हें कहा कि अभी आपका पूर्ण प्रारब्ध कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और प्रयास करिए, उसके बाद फिर आइए। उसके बाद फिर ध्रुव महाराज को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दीक्षा दिया, और पहले 3 दिन जो भी कुछ जंगल में कंदमूल फल मिला उसको खाकर, उसके बाद 3 दिन घास फूस खाकर, उसके 3 दिन बाद जल पीकर, और उसके बाद मैंने 3, 6, 9, 12 ऐसे बढ़ता गया, और 12वें दिन जो है वायु पी करके, और इसके बाद की जो क्रिया थी वो योग में निष्ठ होकर के वायु जल सब को रोक करके ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और परमात्मा को प्राप्त किया। बहुत सारे आश्रमों में 2 पंथ हैं दीक्षा, वैष्णव दीक्षा के जो मुख्य रूप से हैं, ज्यादातर आश्रमों में यही मंत्र दीक्षा दी जाती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, यह 12 अक्षरों का मंत्र है, और इसका महात्म्य इतना है कि अगर आप 1 सप्ताह 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे के भीतर एकदम शांत स्थान में इसको अधिकतम जितने माला जप सकते हो तुलसी की माला से आप जपिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण यह कहता है कि 7 दिन में यह सिद्ध हो जाता है। और 7 दिन में जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप आकाश में होने वाली गतिविधियों को ध्यान देकर के समझ सकते हैं कि अब होने वाला क्या है, यानी आपको पूर्वाभास होने लगेगा इस मंत्र की इतनी शक्ति है। और कभी भी घर से निकलिए तो 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य कर लीजिए,
तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं, यह मेरा दावा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं लिखा। और ये मंत्र जो है, ये महामंत्र है, अगर आपको मृत्युतुल्य कष्ट मिलना है तो पता लगेगा कि आप खरोंच मात्र से बच गए। क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में घटता है वो हमारे किए हुए का फल है, तो फल तो मिलेगा, क्योंकि भोग जो है वो प्रारब्ध का प्रतिमूर्त है। जो कुछ भी हम भोगते हैं इस शरीर से, हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, दुख है सुख है, जो भी कुछ हम भोगते हैं वो हमारा प्रारब्ध है, वो पूर्व जन्म का हमारा नियोजित कर्म है, संचित कर्म है। लेकिन भगवान के आश्रय में जाने पर वह चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं, और इतनी मिनिमाइज हो जाती हैं कि आप नारायण की शरण में पुनः जाकर के अपने इह लोक को और परलोक को दोनों को ठीक कर सकते हैं। जय हो, जय। इतना समय वो देते हैं। अब हम उसको कितना समझ पाते हैं कितना नहीं समझ पाते हैं, बुद्धि और विवेक, मन और चित्त का जो द्वंद्व है, इससे कितना उबर पाते हैं। क्योंकि द्वंद्व जो है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पूजा में मन किसका नहीं लगता है, तो कहते हैं कि बहुत लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी सब तो ठीक है, जैसे ही पूजा में बैठते हैं उसे नींद आ जाती है, थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जैसे ही अगरबत्ती सुलगाते हैं तैसे दुनिया भर के और ख्याल आते हैं, सामने नारायण ख्याल कुछ और, तो कैसे पूजा हो। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व जिसके मन में है, जो पूर्व जन्म के कर्मों से, अच्छे कर्मों से सिंचित है और वर्तमान में अच्छा कर्म कर रहा है, और इन कर्मों के माध्यम से वह द्वंद्व से परे है, उसके मन में किसी तरह की उहापोह है नहीं कि क्या करें, इतना पूजा करते थे, इतना पूजा करते थे, इतना पूजा करते थे, महाराज 10 साल तक नंगे घोड़े जल चढ़ावा सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने हमारे साथ जो किया उसके बाद से हमने सब बंद कर, सब बंद कर। बताओ भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया? तुम लोभी लालची, अभी जब समझ में आया है तो तुम पूजा उबेने घोड़े कर रहे हो बिना जूते चप्पल के, और जो करके आए हो वो कौन काटेगा, वो कौन काटेगा, वो तो काटना पड़ेगा ना, तो उसमें भगवान का क्या दोष है। भगवान गीता में यह भी कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि अनन्यास चिंतयंतो याम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, दूसरी तरफ कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, हम एकदम बिजली के करंट की तरह से हैं, गड़बड़ जो करेगा वो चला जाएगा, निपट जाएगा, उसका काम हो जाएगा। जैसे खुला तार है ना, जब तक नहीं छू रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे उसके नजदीक गए निपटा देता है। माने अपना गुण धर्म जो है, अपने गुण धर्म को छोड़ना नहीं है, आचरण निश्चित करना है। मनुष्य हैं, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं, भगवान ने बहुत मुश्किल से बनाया है, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, तिन मह दुज दुज मह श्रुतधारी, रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं कि इस धरा में, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा हमें कौन प्रिय है, बोले मनुष्य, उसको मैंने बढ़िया सुंदर स्वरूप दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, और हर तरह से वो मेरी पूजा पाठ करता है। बाकी जिनको पशु योनि में दिया है वो क्या करते हैं, उनको तो ज्ञान बुद्धि दिया नहीं, उनको तो बस केवल खाने और टहलने से मतलब है। तो जो मनुष्य है वो परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है।
तो अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपसे उम्मीद भी श्रेष्ठता की जाती है कि आप श्रेष्ठतम काम करिए। तो एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में निश्चल हो और किसी अन्य का आश्रय नहीं लेते हो, अनन्यास चिंतयंतो याम ये जना परिपाशते, किसी अन्य का आश्रय नहीं लेते हो तो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारा योग क्षेम मैं वहन करूंगा। लेकिन ये कि थोड़ा सत्यमाई भी हो जाए, थोड़ा छलेया माई भी हो जाए, थोड़ा यहां वाले बाबा हो जाए, थोड़ा वहां वाले बाबा हो जाए, कहें जाओ उन्हें निपटो, फिर हमारे यहां का ही ले आए। माने कहने का यह है कि अनन्य भाव से अगर हम परमात्मा का चिंतन करते हैं कि हे प्रभु जो कुछ भी है, यथागति मति जो भी कुछ आपने दिया है यह सब आपका ही है और आपके ही दिए हुए हम हैं, जैसी बुद्धि भी आपने दिया है वैसा इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, जब भी भोजन रोज आपको समर्पित करते हैं तो हम यही कहते हैं कि तदीयम वस्तु गोविंदम तो भिमेव समर्पय ग्रहणाम समुखो भूतवा प्रियताम परमेश्वर। हे नारायण, आपका दिया हुआ यह आपको समर्पित है और प्रसाद स्वरूप जो मैं इसे लेना चाहता हूं उससे हमारी यह प्रार्थना है कि यह मन के यह शरीर के अंदर जाकर के एक तो शरीर को निरोग रखे और दूसरा मन चित बुद्धि को ऐसा ऐसा भाव बनाए कि सिर्फ सिर्फ आपके चरणों में ही अनुराग रहे और कहीं कोई हमारा मन न लगे। यह है जब हम तदीयम वस्तु गोविंदम कहते हुए जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तब भगवान कहते हैं कि हाँ तुम किसी अन्य का चिंतन नहीं करते हो, अनन्यास चिंतयंतो याम हो। लेकिन अगर इधर की भी हो जाए थोड़ी, उधर की भी हो जाए थोड़ी, थोड़ा हम ये भी निपटा लें तो इसका मतलब यह है कि आपको परमात्मा पे भरोसा नहीं है। तो जब परमात्मा पे भरोसा नहीं है तो परमात्मा आपकी सुनेंगे क्यों? विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलीभूत होता है। सभी कहते हैं ना लोग, अरे बात मानिए, विश्वास करिए, मैं कर दूंगा। तो भले सामने प्रत्यक्ष में हो चाहे ना हो, लेकिन आदमी एक विश्वास करके चला जाता है कि हाँ भाई ठीक है, कहा है तो करेगा। और जब समय आने पर काम हो जाता है तो आदमी कहता है कि हाँ बात के धनी है, जो कहे थे वो किए। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कुछ भी इस जीवन में है सब नारायण की कृपा से है, नारायण की देन है। और इधर जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते प्रहलाद जी अपने जप को पूर्ण कर लिए तो स्वयं नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया प्रहलाद को कि प्रहलाद भगवान के ही एक तरह से स्वरूप हो गए और भगवान में ही उनकी अनुरक्ति बढ़ गई। इधर जब नारद जी आए उत्तानपाद के पास और उन्होंने देखा कि उत्तानपाद बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान है, तो उत्तानपाद से उन्होंने पूछा कि राजन आपके इस परेशानी का क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है क्या, बताइए। लड़के से मिल के आ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे सब ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ी ना? उत्तानपाद ने कहा कि महाराज क्या बताएं, मन बड़ा व्यथित है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं बहुत ही स्त्रियों की बात मानने वाला हूँ और मैंने सुरुचि की बात मान करके अपने 5 वर्षीय दुधमुहे बच्चे को मैंने जंगल में जाने दिया। पता नहीं उसकी क्या गति हो रही होगी, पता नहीं उसकी क्या स्थिति हो रही होगी, जंगली जानवर उसको खा गए होंगे और यही विचार मन में बार बार आ रहा है। तो नारद जी थोड़े देर तक राजा के मन की व्यथा को समझे, क्योंकि नारद जी का शिष्य था ध्रुव, तो उस व्यथा को समझने के बाद नारद जी ने कहा कि राजन आप परेशान न हो, और ध्रुव नारायण का बहुत बड़ा भक्त है और नारायण की उन पर कृपा है, वो नारायण का अंश है और वो
शीघ्र ही लौट करके आएगा और आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे भी बड़ा वह अधिपति होगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते करते नारायण को पा गए ध्रुव, और इस तरह से ध्रुव की कथा आज यहाँ पर संपन्न हुई। कल कृष्ण भगवान आएंगे।